दूसरा ये हो गया, तीसरा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए स्टैंड बना दिया है मैंने और कुछ टाइल लगाई है मैंने। ये देखिए यहाँ पर मैंने टाइल लगाई है, टाइल के नीचे ईंटें लगा दी है मैंने, तब मेरा स्टैंड जो है तैयार हुआ है। और वेलकम टू खुशी गुड लाइफ, कैसे हैं आप सभी। आज मेरे गार्डन फैला हुआ है क्योंकि मैं गार्डन में कर रही हूँ अभी कुछ काम, कुछ नहीं मतलब बहुत ज़्यादा काम ही कर रही हूँ। और आज मैं स्टैंड के ऊपर बताने वाली हूँ आपको कि अपने घर के कबाड़ से आप स्टैंड कैसे बना सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लांट्स तो फैला रखे हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ से इतनी सारी मैंने मिट्टी निकाली है। ये देखिए इतनी सारी मिट्टी निकाली है और स्टैंड हटा हटा के जो है काम करना पड़ रहा है। सारे पॉट हटाए हैं, स्टैंड हटाए हैं, जितने भी मेरे यहाँ पे लगे थे। तो अगर किसी के पास स्टैंड नहीं है और स्टैंड बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए पहला स्टैंड तो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, ये है लकड़ी, लकड़ी एक का स्टैंड बनाया हुआ है। ये खुद घर में ही मैंने जो है बनाया था। इसके नीचे फट्टी, ये फट्टी है लकड़ी की और इसको सपोर्ट देने के लिए मैंने ये जो है 2 इंच की ये फट्टियां लगाई हुई है ताकि इसको जो सपोर्ट मिल सके। और इसको भी कम से कम 3 साल हो गए इस लकड़ी को लगे हुए, स्टैंड को लगे हुए, तो थोड़ा सा झोल में आने लग गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा स्टैंड देखिए, वहाँ पीछे जगह खाली है, पीछे कुछ नहीं रखती हूँ। अब यहाँ पर दूसरा स्टैंड तैयार हो रहा है मेरा, ये पहले का ही लगा हुआ है। अभी तो मैंने सारे ये जो है पोर्ट्स यहाँ पे हटा दिए हैं। तो ये भी लकड़ी है, ठीक लकड़ी है काफी, ये इससे थोड़ी सी पतली, जितनी ये है इससे पतली है। तो एक स्टैंड मैंने ये लिया है, ये मैंने ईंट ली है, ईंटों के ऊपर मैंने जो है ये अपना स्टैंड बनाया लगाया हुआ है। और फिर ये पन्नी लगा दिए क्योंकि हम पानी वगैरह डालते हैं पोर्ट्स में तो स्टैंड हमारे खराब हो जाते हैं, स्टैंड खराब हो जाते हैं तो लकड़ी खराब हो जाती है, स्टैंड नहीं सॉरी लकड़ी खराब हुई। तो मैंने इसके ऊपर ये पन्नी बिछा रखी है, आप पन्नी बिछा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। मतलब 3 साल हो गए इस स्टैंड को लगे हुए, गार्डनिंग शुरू की थी तब मैंने स्टैंड बनाया था, ये वाला और वो वाला, वो जो सामने आप देख रहे हैं दीवार पे, ये वाला भी। और ये मैंने बाद में लगाया है तो इसमें मैंने कुछ पन्नी लगा दी है। पहला स्टैंड ये है, ये वाला है, और दूसरा ये है, और तीसरा मैं इनका देखो टाइल्स का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके घर में टाइल पड़ी है तो इनका भी आप यूज करके स्टैंड बना सकते हैं। तो देखिए ये मैं लगा रही हूँ ईंट, इस तरह से आप घर में बिल्कुल फ्री का स्टैंड तैयार कर सकते हैं। ईंट चाहिए होती है हमें, चाहे है आप लकड़ी के इस तरह के छोटे छोटे गुटके भी ले सकते हैं। देखिए इनको लगा के जो है स्टैंड बना सकते हैं। फट्टी हमारे पास होनी चाहिए, नहीं है तो आप जो है लकड़ी वाली जो दुकान होती है वहां से आप फट्टियों को ले सकते हैं। तो ये देखिए मैं टाइल्स लगा रही हूँ इस तरह से, ये अभी टाइल्स के टुकड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास, पर मैं अभी ये एक ही टाइल्स लगा रही हूँ क्योंकि और जो है मुझे बड़े प्लांट्स रखने हैं वहां पे। तो इस तरह से ये देखिए टाइल्स हमने यहाँ पर लगा दी है, ठीक है ये लगा दी है यहाँ। तो ये देखिए मैंने लगा दी है, एक टाइल्स लगा दी है। अब मैं चाहूँ तो वहां पर भी मैं लगा सकती हूँ क्योंकि खाली जगह पड़ी है, मैं वहां नहीं लगा रही क्योंकि मुझे बड़े पोर्ट्स वहां पे जो है लंबे वाले प्लांट वहां पे लगाने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जगह खाली पड़ी है इधर, है ना। आज गार्डन में बहुत ज्यादा काम हो रहा है, साफ सफाई चल रही है और थकान भी बहुत ज्यादा हो गई है, अभी कई देर से लगी हुई हूँ बट वीडियो शूट में अभी करने लगी हूँ। तो देखिए कितना कबाड़ा फैला हुआ है, और आपको पता है जब हम गार्डन में काम करते हैं तो कबाड़ा तो बहुत ही हो जाता है। तो दूसरा स्टैंड मैं बना रही हूँ तो वो भी देख लीजिए आप, दूसरा स्टैंड 3 लेयर में। मैंने एक फ्रेंड ने पूछा था कि आपने कितने लेयर में जो है प्लांट भी लगाए हुए हैं स्टैंड बनाए हैं, तो मैंने 3 लेयर में नीचे 3 लेयर लगाई हुई थी। यहाँ पर 2 लेयर है, अभी मैंने पोर्ट जो है एडजस्ट किए नहीं है, अभी तो मैंने ऐसे ही रखे हैं। तो एक स्टैंड ये हो गया है, दूसरा ये हो गया, तीसरा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ पे भी मैं आपको लगा के और फिर दिखाती हूँ क्योंकि बहुत सारे पोर्ट इकट्ठे हो गए। ये देखिए स्टैंड बना दिया है मैंने और कुछ टाइल लगाई है मैंने। ये देखिए यहाँ पर मैंने टाइल लगाई है, टाइल के नीचे ईंटें लगा दी है मैंने, तब मेरा स्टैंड जो है तैयार हुआ है। और यहाँ पर भी एक मैंने छोटा सा फट्टा लगा दिया है जिसके ऊपर बड़े पोर्ट्स भी आ सकते हैं, बट मेरे पास बड़े नहीं है, यहाँ पे सारे छोटे हैं। और यहाँ पे फट्टी लगा दी है, एक यहाँ लगा दी है,
तो सारे ये छोटे छोटे पॉट्स रखने के लिए बन गया है मेरा स्टैंड, फ्री का स्टैंड मैंने तैयार कर लिया है और इस तरह से छोटे छोटे पॉट में रख रही हूँ। ये प्लांट तो मैं निकाल देती हूँ क्योंकि ये इस तरह से, ये देखिए छोटे छोटे प्लांट्स रखने के लिए स्टैंड हो गया है मेरा तैयार। तो इस तरह से बना सकते हैं, मैंने तो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांटर लगाए हुए हैं। नहीं निकल रहा, रुक जा भी मैं निकालूंगी। तो देख अभी आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल जो है स्टैंड लगे तैयार हो गए हैं, पॉट भी पूरे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल मैंने चकाचक कर दिया है अपना गार्डन। बस पानी देना रह रहा है, अभी पानी अभी दूंगी। और मैंने जो है स्टैंड आपको बता ही दिए थे कैसे मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हैं दूर से मैंने ईंटों के ऊपर फट्टे लगाए हैं या टाइल्स लगाई है, कुछ फट्टी लगाई है। तो तीन लेयर, चार लेयर में मेरे लगे हैं पॉट्स, मैं आपको बता देती। पहला स्टैंड ये है, दूसरा ये है, तीसरा इसके पीछे ये वाला है और चौथा आगे वाला है। तो चार लेयर में मेरे प्लांट लगे और यहाँ थोड़े से इकट्ठे करके रख दिए क्योंकि जगह नहीं बची, इसलिए मैंने रख दिए हैं। और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, इधर की साइड देखिए, ये पूरे मैंने हटा हटा के यहाँ से साफ सफाई करी है। इधर मैंने स्टैंड नहीं लगाया है और मेरे पास फट्टे नहीं बचे थे इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंड नहीं लगाया है। तो मेरा काम रेडी हो गया है, फ्रंट का जो पोर्शन था मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, एक एक पॉट्स हटा के झाड़ू मारी है, पत्ते वगैरह सब साफ किए हैं, पानी अभी नहीं दिया है तो थोड़े से मुरझाए लग रहे प्लांट। और ये वाला जो पोर्शन है मेरा, ये वाला बच गया है अभी, ये मुझे करना है कल, कल नहीं, कल तो अष्टमी है और मैं करूंगी अभी इसको दशहरे के बाद या दशहरे से पहले कर लूंगी क्योंकि उसके बाद जो है मेरा शूट होने वाला है, तो जल्दी ही शूट होने वाला है। तो मुझे गार्डन की सफाई भी करनी थी और स्टैंड भी मैंने लगा दिए सारे। और सुबह के अभी बज गए हैं 11:30 और आज मैंने एक भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं करी है क्योंकि सुबह मैं 8 बजे से गार्डन में लगी और 11:30 बजे ये टाइम हो चुका है। तो इतना काम मैंने कर लिया है कंप्लीट और पौधों को अभी पानी देना है सबको, तो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मेरा ये स्टैंड कैसा लगा है, आप भी इस तरह से कबाड़ का जुगाड़ करके इन स्टैंड को बना सकते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे जो है हमारे पॉट्स लगते हैं स्टैंड पे रखने के बाद। तो इस तरह से बनाइए आप अपने भी स्टैंड और लगाइए अपने सारे पॉट्स, लगाइए अच्छे लगेंगे। कैसे लगे आपको मेरे ये स्टैंड, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।